दिवाली का त्यौहार कार्तिक अमावस्या की तिथि को मनाते हैं। दिवाली को प्रदोष काल में माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा होती है। प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद से प्रारंभ होता है। दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा निशिता मुहूर्त में भी की जाती है। आप देख रहे हैं भक्ति बोध न्यूज। इस साल दिवाली पर आयुष्मान और सौभाग्य नाम के दो शुभ योग बन रहे हैं। साथ ही इस दिन स्वाति और विशाखा नक्षत्र हैं। आइए जानते हैं कि इस साल दिवाली कब है, दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 12 नवंबर रविवार को दोपहर 2:44 से शुरू हो जाएगी और 13 नवंबर सोमवार को दोपहर 2:56 तक रहेगी। उदयतिथि के आधार पर कार्तिक अमावस्या तो 13 नवंबर को होगी, लेकिन अमावस्या तिथि में प्रदोष काल 12 नवंबर को प्राप्त हो रहा है। 13 नवंबर को प्रदोष काल के समय शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। इस वजह से इसका साल दिवाली का त्यौहार 12 नवंबर को ही मनाया जाएगा। दिवाली 2023 लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। 12 नवंबर को दिवाली के दिन सूर्यास्त शाम 5:29 से होगा। ऐसे में प्रदोष काल शाम 5:29 से ही शुरू होगा। दिवाली पर प्रदोष काल में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 5:39 से शाम 7:35 तक रहेगा। इस बार शाम में दिवाली की लक्ष्मी पूजा के लिए आपको 1:56 का शुभ समय प्राप्त होगा। दिवाली का प्रदोष काल 5:29 तक रात 8 बजे तक है, जबकि वृषभ काल शाम 5:39 से शाम 7:35 तक रहेगा। दिवाली 2023 लक्ष्मी पूजा निशिता मुहूर्त क्या है। इस साल दिवाली पर लक्ष्मी पूजा निशिता मुहूर्त रात 11:39 से लेकर देर रात 12:32 तक है। लक्ष्मी पूजा निशिता मुहूर्त की अवधि 53 मिनट की होगी। इस समय सिंह लगन देर रात 12:10 से 2:27 तक है। निशिता काल मुहूर्त में लोग लक्ष्मी मंत्रों को सिद्ध करते हैं। इस बार दिवाली की लक्ष्मी पूजा सौभाग्य योग और स्वाति नक्षत्र में होगी। दिवाली को प्रातःकाल से आयुष्मान योग हैं, जो शाम 4:25 तक रहेगा। इसके बाद से सौभाग्य योग प्रारंभ होगा, जो अगले दिन दोपहर 3:23 तक है। ये दोनों ही शुभ योग हैं। वहीं स्वाति नक्षत्र प्रातःकाल से देर रात तक हैं। 13 नवंबर को 2:51 AM पर स्वाति नक्षत्र समापन होगा और विशाखा का प्रारंभ होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दिवाली की शाम माता लक्ष्मी, भगवान गणेश, धन की देवता कुबेर जी की पूजा करने से सुख समृद्धि, धन वैभव समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। पूरे वर्ष माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, इससे धन का संकट भी दूर होता है। आपके जो विचार हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।